फेनॉल, दिस इज द फेनॉल एंड दिस इज द ऑक्सीजन एंड दीज आर इट्स टू लोन पेयर एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन इन फर्स्ट एंड कैरी. जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको नंबर वन. फंक्शनल ग्रुप के बाजू का जो पहला कार्बन है दिस इज कॉल्ड ऑर्थो कार्बन. कौन सा कार्बन? ऑर्थो कार्बन. ऑर्थो के बाजू का जो है उसको मेटा. क्या कहते हैं बेटा? बस बेटा ठीक है. और वो केला होता है वो पैरा. पढ़ाया था क्या ये? तो ये क्या टू कौन आवड़ लेने टू सिक्स चांगल बना. टू सिक्स थ्री फाइव फोर वंस मोर टू सिक्स थ्री फाइव फोर वंस मोर टू सिक्स थ्री फाइव फोर. ये होता है टू सिक्स ऑर्थो थ्री फाइव मेटा और फोर पैरा. बराबर. अब क्या होगा? ये है उनकी पोजीशन. तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप जिनको पता नहीं होंगी लिख लेंगे, मुझे बताएंगे आप सब लोग क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है? क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? कौन कहता है हाँ? ठीक है. क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है? क्यों? क्या अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड? वेल डन. छान. साक्षी थे? साक्षी था? थे साक्षी सांगते. हाँ सांग. व्हाट इज द अदर कंडीशन? हाँ एक मिनट, बाकी के मुंह बंद रखो. हाँ बहुत अच्छे से बता रहा हूँ. हाँ वेरी गुड. साक्षात्कार पॉजिटिव चार्ज दिसू राहिला. देव प्रसन्न झाला. इथे पॉझिटिव्ह चार्ज दिसत आहे तिला. किती मोठी गोष्ट आहे. नाही झालं ना आता? झालं नाही झालं. जे सांगायचं ते बोलायचं होतं, वेळ संपलेला आता. ठीक आहे. तुला पॉझिटिव्ह चार्ज दिसून राहिला इथे म्हणजे अजून काय म्हणाव. ठीक आहे. म्हणून हे डोक्यातलं जे काही आहे ना आपलं बिनफालतूची खिचडी ते काढून फेका आणि अभ्यासात लक्ष घाला. कळलं? हां. जे अभ्यास करते त्याच्यापासून मोटिवेट होऊन अजून अभ्यास करा. ठीक आहे. हां लक्षात ठेवा. तुला पॉझिटिव्ह चार्ज दिसून राहिला इथे म्हणजे नाही म्हणजे कसं का? एवढं स्पष्ट तू पॉझिटिव्ह म्हटला का? म्हणून जाऊ द्या. तेच धंदे नाही आम्हाला तू म्हणजे मागं लागायचे. बघा इकडे. सो व्हॉट इज द अदर कंडिशन? लोन पेअर कॅरिंग ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच टू डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. ठीक आहे. लोन पेअर कॅरिंग ॲटम इज डायरेक्टली अटॅच टू डबली बॉन्डेड कार्बन ॲटम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी ताजी ताजी कंडीशन. इतना बड़ा भगवान ने आपको डिलीटिंग पावर दिया है और कुछ ही लोगों को तो अद्भुत शक्तियां दी है. ठीक है. उनको कुछ भी दिखता, पॉजिटिव भी दिखता. ठीक है. तो ध्यान में रखो अभी. तो इसने शुद्धित पैसा तो बैच में दी, इकड़े लक्ष्य दिया था बरोबर. तो क्या ये रेजोनेंस शो कर सकता है? हाँ कि ना? हाँ. कितना, कितने कंडीशन फॉलो कर रहा है? तो फर्स्ट अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड. सेकंड लोन पेयर कैरिंग एटम इज डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम. ठीक है. तो दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन कैरी विच पेयर? लोन पेयर. दिस ऑक्सीजन कैरी लोन पेयर. बराबर. अब ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. बोलो कितनी लोन पेयर है? दो. कितनी लोन पेयर है? दो. और ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है. वंस मोर. क्या ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? अब ऑक्सीजन ने अगर इसकी क्या शिफ्ट कर दी? लोन पेयर. क्या शिफ्ट कर दी? लोन पेयर. करता ही है ना. तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे जाएंगे? इट इज द विच कार्बन? ऑर्थो कार्बन. अरे जाएंगे ना.
एंड ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन ले रहा है? ऑर्थो कार्बन। तो ऑर्थो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस बॉन्ड को कुछ हुआ है क्या? नहीं। ये जैसा के वैसा। इसको कुछ हुआ है क्या? नहीं। ये जैसा के वैसा। और इसके ऊपर नेगेटिव, और समझो इसके ऊपर पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने क्या डोनेट करी? लोन पे। और जब वो क्या डोनेट करता है? लोन पे। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? ऑक्सीजन इन फर्स्ट डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनादर एटम। वो बाद में लेंगे वो, लेकिन अभी ऑर्थो के ऊपर कौन सा चार्ज आया? एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट व्हेनेवर एनी चार्ज it becomes unstable. This is which position? Para position. And the para carbon carry negative charge. Para carbon carry which charge? Negative charge. Ye bond jaisa ke waisa. Yaha pe double bond OH. And it carry positive charge. Ye hai uski लोन पेयर। ये बॉन्ड जैसा के वैसा। निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? बॉन्ड। और पैरा कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज। एडिंग दे के लिए तीन लाइन छोड़ के चालू करो, और दोनों भी करना, ठीक है? लिखना भी और बोलना भी, ठीक है? नाउ लिसन, एडिंग देने के लिए तीन लाइन छोड़ के चालू करो, ऐसा बोला, ठीक है? हाँ, तो वंस मोर प्यारा, चांगला बना, बाकी प्यारा कार्बन कैरी निगेटिव चार्ज, इट बिकम्स अनस्टेबल, बट एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल, टू बिकम अ स्टेबल, अपने सिर पे लगा हुआ निगेटिव चार्ज वो हटाना पड़ेगा, बराबर। और इसीलिए ये निगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे क्या करेगा? शिफ्ट। और जैसा भी निगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये जो कार्बन है इनका क्या टूटेगा? बॉन्ड, अरे है ना? तो क्या होगा? ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पे जाएंगे, एंड दिस कार्बन इज अ विच कार्बन? ऑर्थो कार्बन। दिस कार्बन इज अ विच कार्बन? ऑर्थो कार्बन। एंड दिस ऑर्थो कार्बन कैरी विच चार्ज? निगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड जैसा के वैसा, ये भी बॉन्ड जैसा के वैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच, एंड इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज इट्स लोन पेयर, दिस इज इट्स लोन पेयर, डू यू अंडरस्टैंड? और इस तरह ये कार्बन पे आया बच्चों कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। नाउ ऑर्थो कार्बन कैरी निगेटिव चार्ज, इट बिकम अनस्टेबल, बट एवरीवन वांट्स टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, बराबर। अब उसको भी अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और इसीलिए ये निगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा? शिफ्ट। ये कार्बन के भी कितने बॉन्ड बने हैं? चार। वो भी पांचवा नहीं बना सकता, तो वो भी अपना क्या तोड़ेगा? पाई। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट ओपन ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेट इट्स त्याला त्याची लोन पेयर वापस मिळाली, तो त्याच्या डोक्यावर लागलेला पॉझिटिव्ह चार्ज मिळून जाईल, हरवलेली वापस मिळाली तर त्याचे टेन्शन कमी होऊन जाईल, अरे है ना? कोण वापस मिळाली? लोन पेयर, बरोबर। म्हणून तो आता रिलॅक्स झाला, कोण? ऑक्सिजन, डू यू अंडरस्टैंड? और इस तरह क्या बना, देखो एक एक देखेंगे अच्छे से, इधर क्या बना? अरे देखो नारो, पाए। इसका क्या टूटा? पाए। क्या बन रहा है?
पाय बन रहा है, पाय टूट रहा है, ये क्या हो रहा है? पाय पाय कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट. एंड स्पेशली इट इज अ विच रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या ये? रेजोनेंस. ठीक है, अब स्पेशली कौन सा रेजोनेंस है बच्चों? देखो इधर, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिंग में गए और इलेक्ट्रॉन रिंग में जाने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव. एंड सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. हेडिंग है कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. हाँ,